आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक हमारे साथ हैं। रजक साहब, ये जो नालंदा में हुआ है, आप आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में आपको पकड़ है, आपको खबर आती रहती है, क्या खबर है आपके पास, क्या हुआ? क्या जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये लोग इसको दंगा का रूप देना चाहते हैं, देना भी चाह रहे थे, लेकिन सरकार की मजबूती से वो दंगा नहीं हुई। लेकिन उसको इस तरह से माहौल बना करके जो आपस में जो हमारी गंगा जमनी संस्कृति है इसको तोड़ने की साजिश की गई। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने मिल कर करके इसको रोकने का काम किया है। दंगा करवाना चाह रहे थे आरएसएस बीजेपी, ये साक्ष एकदम आरोप है कि ये सबूत है आपके पास? थी मनसा का कोई सबूत क्या, वो तो एक्टिविटी और एक्शन से पता चलता है कि क्या एक्शन है। मैं अभी कुछ एक्शन लूँ उससे एहसास हो जाता है कि मेरी क्या मनसा है। ये बताइए कि रामनवमी का उस दिन जो जुलूस था उसकी बाकायदा परमिशन भी ली गई थी, तो इंटेलिजेंस भी रही होगी कि इस दिन यहाँ पर ये होगा, तो आखिरकार उसको टैकल करने में प्रशासन क्यों नाकाम रहा जब वो सब चीज़ें जानकारी? प्रशासन की अगर अक्षमता है या और कोई कारण है तो सरकार इसकी जाँच कर रही है, जांच अपने स्तर पर कर रही है। सारे चीज़ों को आपको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं होती, ऐसी चीज़ों को संवेदनशील मामले हैं, लेकिन सारे चीज़ों का तहकीकात हुआ है, समय आने पर उसका भी कार्रवाई होगी। आज सवाल है कि बिहार में और नालंदा में, ससाराम में और अन्य जगहों पर शांति की व्यवस्था बनाए रखी जाए, और इसके लिए प्रशासन सब लोग जो शांति प्रिय लोग हैं। ये बताइए कि जिम्मेदारी भी तय होगी कि नहीं प्रशासन की? जिम्मेदारी निश्चित, जांच का रिपोर्ट आएगा तो जांच रिपोर्ट में खाली यही नहीं आएगा कि क्या हुआ, उसमें कौन लोगों के निष्क्रियता से और कौन लोगों के निग्लिजेंसी से अगर इस तरह की घटना का माहौल बनाया गया, हालांकि घटना नहीं हुई लेकिन माहौल बना करके लोगों में एक तनाव के वातावरण बनाए गए। आप चूंकि अपनी साफ बेबाक राय देते हैं और आपको जानकारी भी है कि कहाँ क्या हो रहा है, नालंदा में क्या हुआ, मुख्यमंत्री के गृह जिले में इतना सब कुछ हो गया, प्रशासन की क्या भूमिका थी? मैं कह रहा हूँ कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब प्रथम दृष्टया जो जानकारी, प्रथम दृष्टया जानकारी के आधार पर इन चीज़ों पर, संवेदनशील चीज़ों पर कोई चीज़ कहने की जरूरत नहीं है। जाँच कमेटी पर मुझे विश्वास है, जाँच जो कर रही है, जांच में प्रशासन की भूमिका भी शामिल है क्या? वो तो रिपोर्ट जब देगा, प्रशासन की भूमिका, पब्लिक की भूमिका, कुछ जो अपराधी इस किस्म के लोग हैं उनकी भूमिका या और किन्हीं लोगों की क्या भूमिका है, इन सारी चीज़ें उसमें तथ्य के साथ आएंगे, और तथ्य के साथ आएंगे तो सरकार ऐसी चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मुझे दुख होता है इस देश का गृह मंत्री की जो भाषा होती है वो भाषा भी आग में घी डालने वाली होती है। इस तरह की भाषा देश में शांति व्याप्त नहीं करना चाहती, हर चीज कहा कि दंगाइयों को जो उल्टा लटका देंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि हर चीज राजनीति से नहीं देखना चाहिए, देश रहेगा तो आपकी राजनीति भी रहेगी, देश रहेगा तो आवाम भी रहेगी, आवाम रहेगा तो आपकी राजनीति भी। मानते हैं दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई में हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई संकोच नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार थी तो सीतामढ़ी में दंगे की हुई थी, हमारे नेता लालू यादव जी, हम लोग सब कोई साथ गए थे तुरंत, और चार पांच दिन वहाँ घूम घूम करके शांति व्यवस्था। आज लालू यादव जी सीएम होते तो स्थितियाँ बेहतर होती, ये मानते हैं? नहीं, मैं इसको ये इस रूप में नहीं लिया जाए। मेरा साफ मानना है कि आज जो सरकार है उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, हम सारे लोगों की, कांग्रेस, सब लोग की ज्वाइंट रिस्पॉन्स। होम तो आपके पास नहीं है ना? गृह होम विभाग से क्या होता है, होम विभाग नहीं है लेकिन सरकार की कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो जब कलेक्टिविटी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो सब लोग जिम्मेदारी से हैं। जो कुछ हुआ है इसमें नीतीश कुमार सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह जो कुछ हुआ है सरकार की जिम्मेदारी, हुआ क्या, दंगा हुआ नहीं, माहौल बनाया गया आपने कहा, माहौल बनाया गया, तो ये जो कुछ माहौल को प्रशासन ने, सरकार ने उसको हद तक बढ़ करके इस आज स्थिति बनाई गई, शांति हुई। आज बिहार शरीफ में आप खुद आ रहे हैं तो आज शांति व्यवस्था है, आज वहाँ पर ठीक है थोड़ी चिंता का विषय है लेकिन वहाँ शांति व्यवस्था है, सब कुछ समान हो गया है, सब कुछ समान है। हाँ,
कुछ लोग माहौल बनाना चाहते थे, माहौल बना कर करके उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे, जिसको सरकार ने नहीं लेने दिया। सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ इसको रोकने का तौर कर दीजिए। मुझे नीतीश कुमार जी ने जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया उस पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी तो हर समय वो गंगा जमुना संस्कृति को तोड़ने की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, सुशील मोदी जी इनके पार्टी के नेता हैं, वो इफ्तार पार्टी करते हैं दिखावटी। नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जनता दल यू कांग्रेस सब लोग इफ्तार पार्टी कोई राजनीति चाशनी में नहीं करते हैं। हम इफ्तार पार्टी करते हैं तो गंगा जमुनी संस्कृति के रूप में सद्भाव के लिए। अगर जमुनी तहजीब की, यही तो संस्कृति है भारत की, जिस संस्कृति को वो लोग नहीं मानते हैं। सवाल की संस्कृति है कि हम अगर होली मनाते हैं तो ईद भी मनाते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जिसकी बड़ी चर्चा है और आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर के वो बने, आपकी पार्टी से काफी इस बात की आवाजें उठती रही हैं, आपकी क्या राय? मेरी एक ही राय रही है और हमारी पार्टी की मंशा है, इस बिहार में रोजगार का सवाल, भूख का सवाल, इन सबसे निवृत्त होने के लिए और देश में जो एक सांप्रदायिकता के माहौल बनाने का काम किया जा रहा है उसको बिहार में प्रवेश न करने दिया जाए, इस सवाल को लेकर के हम एकजुटता का काम किए हैं। हमारी पार्टी ने नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया और ईमानदारी के साथ पूरी तन्मयता के साथ हम लोग लगे हुए हैं। वही सीएम रहेंगे आगे भी? आगे क्या होगा, आगे तो जनता तय करेगी। आपकी इच्छा क्या है? तो इच्छा से कुछ, लोकतंत्र इच्छा से नहीं चलती, लोकतंत्र वोट से चलती है और वोट अम्बेडकर साहब ने कहा है एक एक वोट के आधार पर बहुमत होती है, बहुमत के आधार पर चुने जाते। तो पहले 2024 तो आने दीजिए, 2024 में हम लोग का एक ही मंशा है कि दिल्ली से ऐसे नाजायज लोगों को हम वहाँ से पदच्युत करें। नाजायज क्यों बोल रहे हैं? नाजायज इसलिए बोल रहे हैं कि देश की जो संविधान है, संविधान का जो प्रेम्बुल है, उस प्रेम्बुल के साथ जो मजाक उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, प्रेम्बुल का जो अनदेखा करता है, वो तो नाजायज ही कहे जाएंगे ना। जायज जो होंगे जो अंबेडकर के, गांधी के, लोहिया के विचारों का देश बना। जनता वोट दे रही है, अलग अलग राज्यों में जिता रही है और आप नाजायज? मैं तो उनका सम्मान कर रहा हूँ, लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र ने उसको जिताया, हम कहाँ करें कि उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनको हटा दिया जाए। हम लोगों ने जिताया तब कैसे नाजायज? जिताना अलग चीज है, जिताया गया लेकिन वो अपने लक्षण से, अपने चाल और चरित्र से वो नहीं बदले। जनता ने विश्वास की होगी, जनता ने विश्वास कर करके उनको जिताने का काम किया। हम लोग तो कहीं हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता ने जिताई अपनी मनसा से, लेकिन वो अपना चाल चरित्र बदलने का काम नहीं किए। एक कहावत हम लोग सुनते थे, कहानी भी बचपन में पढ़ते थे, एक सियार था जो धोबी के नील का जो था वो जो घड़ा उसमें घुस गया था और नीला हो गया, तो लोगों ने कह दिया कि नीला शेर, नीला शेर। लोग डरने लगे, डरने लगे, तो इसी तरह से डर कर करके रह रहे हैं। जिस दिन नीला हटा, अरे ये तो शेर नहीं, सियार है। कौन सियार? किस पर नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात इशारों में कर रहे हैं। मैं इशारा नहीं, जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। तो शेर और सियार में अंतर है, शेर शेर होता। शेर कौन है? तेजस्वी जी शेर है, देश शेर है, देश कह के जनता शेर है। शुक्रिया श्याम रजक जी अपनी बातें कहते हुए, और इस बार यकीन दिला रहे हैं कि जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकायदा रिपोर्ट बन रही है और रिपोर्ट में सभी तथ्यों की और ध्यान दिया जाएगा। कि हम राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ पटना।